Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls College. And nowadays, I am discussing about the topic Adult Education with you all. So, the topic of today's discussion is Role of Voluntary Agencies in Adult Education. And the lecture is useful for various professional as well as regular courses and for your competitive teaching examinations too. So first of all, voluntary agencies or voluntary association. हम लोग बात कर रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा पे. हमने बात की कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या कंसेप्ट है, कैसे इवॉल्व हुआ है ये कंसेप्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक. हमने बात की नेशनल लिटरेसी मिशन पे, ये बात की कि कैसे एनपीई ने एडल्ट एजुकेशन को फोर फ्रंट पे लाया और उसके लिए एनएलएम की स्थापना की गई और एनएलएम ने कैसे इररेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी से लेकर रेजिडुअल ऑफ रिमूवल ऑफ रेजिडुअल इलिटरेसी तक उसने काम किया. मतलब कि कहीं भी निरक्षरता का कोई अंश भी अगर बचा है तो उसको भी हम कैसे दूर करें. थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच है उसका. कैसे करता है वो, पहले तो टोटल लिटरेसी कैंपेन है, फिर पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम है उनके और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम है. तो ये सब हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं. वहीं पर ये बात निकल कर आई थी क्योंकि ये इतना वृहद स्तरीय कार्यक्रम है, इतना ग्रास रूट लेवल पर आपको जाना है, तो सिर्फ सरकारी तंत्र इसको करने में कभी भी सफल नहीं हो सकता. इसमें जरूर आपको कम्युनिटी का, नॉन एनजीओस का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलेंट्री एसोसिएशंस के आपको उनका साथ चाहिए, तभी आप इतना बड़ा कार्यक्रम भारतवर्ष जैसे इतने विशाल का, इतना बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, उसमें आप इसको हासिल कर सकते हैं. तो हमको ये पढ़ना है, ये जानना है कि किस तरह से एनजीओस जो है वो एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में अपना रोल निभाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानें कि वॉलंटरी एजेंसीज या वॉलंटरी एसोसिएशन कहेंगे किसको. तो माइकल बेंटन ने डिफाइन किया है कि इट इज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यूट ऑफ वन इंटरेस्ट और ऑफ सेवरल इंटरेस्ट्स इन कॉमन. मतलब कोई अपने इंटरेस्ट के लिए चला रहा हो या कई लोगों के उसमें कॉमन इंटरेस्ट हो और वो चाहें कि हम कोई इस तरीके की संस्था से, स्वैच्छिक है, मतलब हमने अपने मन से चाहा है, हमारे पर कोई बर्डन नहीं है, हम फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं. डेविड एल सिल्स कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं इसको, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी मेंबरशिप विदाउट स्टेट कंट्रोल फॉर द फर्दरेंस ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. यानी कि हमारे पर किसी का नियंत्रण नहीं है, राज्य के नियंत्रण से मुक्त है, हम पे किसी का कंट्रोल नहीं है, प्लस हम अपनी इच्छा से हमने इसकी मेंबरशिप ज्वाइन की है और कुछ कॉमन इंटरेस्ट है लोगों का, इसलिए इस तरीके के ग्रुप बनते हैं. लॉर्ड बेवरेज इसको डिफाइन करते हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच वेदर इट्स वर्कर्स आर पेड और अनपेड इज इनिशिएटेड एंड गवर्न्ड बाय इट्स ओन मेंबर्स विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल. है ना, हो सकता है हमको उसके लिए पे किया जाए, हो सकता है हमको ना भी पे किया जाए, लेकिन ये अपने लोग ही मिलकर चलाते हैं और हम पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये मतलब है वॉलंटरी एसोसिएशन का. फिर है कि देयर आर फोर एसेंशियल एलिमेंट्स इन एनी वॉलंटरी एसोसिएशन. कब आप कहेंगे कि हाँ ये एक स्वैच्छिक संगठन है, उसके पास चार मूलभूत तत्व होने चाहिए. कौन कौन से, मेथड ऑफ फॉर्मेशन विच इज वॉलंटरी ऑन द पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब किस तरह से उसका संगठन है, संगठन का क्या तरीका है. मेथड ऑफ गवर्नमेंट विद सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सर्विसिंग, इट्स पॉलिसी एंड इट्स क्लाइंट्स. हमारे पास कोई जो हमारा तंत्र है उसका भी कोई मेथड होना चाहिए कि किस तरह से सेल्फ गवर्निंग होगा, कि कौन गवर्न करेगा, कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया ये सब क्या होगा, ये भी हमको एक बनाना पड़ेगा. तो एक मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिर मेथड ऑफ गवर्नमेंट, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. कहीं ना कहीं से तो हमको फाइनेंसिंग चाहिए होगी ना, कि कैसे चलेगा संस्था, कैसे काम करेगी, हम अपना पैसा लगाएंगे या सरकार से हमको सीख चाहिए, सीख करेंगे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है. विद एटलीस्ट सम ऑफ इट्स revenues drawn from voluntary sources. मतलब कोई बड़ा धनवान आदमी है वो उसको voluntarily कुछ pay कर रहा है, denote कर रहा है, donate कर रहा है, ये हमको देखना है. और motives of profit excluded. इसमें कहीं भी हमको अपना लाभ नहीं देखना है. ठीक है, हम अपने लाभ के लिए नहीं जुड़े हैं, स्वेच्छा से जुड़े हैं, कुछ सेवा करने का भाव है, कुछ इंटरेस्ट है इस तरीके का, कुछ काम करना चाहते हैं, तो होता है वॉलंटरी एसोसिएशन. ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ऑल द फोर एलिमेंट्स आर रेयर एंड परहैप्स आर ओनली द आइडियल फॉर्म्स. वो कह रहा है कि ये अगर चारों तत्व आपको मिल जाएं तो ये बहुत ही मतलब रेयर होता है कि फॉर्मेशन का भी बढ़िया है तरीका, गवर्नमेंट भी आपकी सेट है कि कैसे क्या चलाना है आपको, फाइनेंसिंग भी एकदम ट्रांसपेरेंट है, सही साफ सुथरी हो रही है और मोटिव्स ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है. तो ये रेयर होता है कि चारों एलिमेंट्स मिले, और अगर मिल जाए तो इसी को आप कह सकते हैं कि ये आइडियल वॉलंटरी एसोसिएशन है. ये तो हुआ वॉलंटरी एसोसिएशन या वॉलंटरी एजेंसीज का हाल. फिर
एनएलएम ने जब बात की, जब संगठन हुआ, जब हुआ कि नहीं हमको एनजीओस का साथ चाहिए, हमको समुदाय का साथ चाहिए, तभी हम इसको पा सकते हैं, तो ये सोचा गया कि हम क्यों ना कुछ असिस्टेंस करें। मतलब सरकार हर जगह खुद नई संगठन बना सकती है, अपने लोग रिक्रूट कर सकती है, तो हम जो इस तरह के एनजीओस बने हों, जो इस तरीके का काम कर रहे हों एडल्ट एजुकेशन के लिए, हम क्यों ना उन्हीं को असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि वो बढ़िया अपना काम कर सके, है ना। तो असिस्टेंस टू वॉलंटरी एजेंसीज फॉर एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्कीम अंडर नेशनल लिटरेसी मिशन, ये हेडिंग है कि एनएलएम के तहत जो भी संस्थाएं, जो स्वैच्छिक संस्थाएं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एडल्ट एजुकेशन के लिए काम करती हैं, उनको असिस्टेंस देने की बात की गई। द स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू वॉलंटरी एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन वाज डिजाइंड एंड स्टार्टेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में ही ये बात कह दी गई थी कि हम ये ऐसा कुछ करेंगे, एंड वाज कंटिन्यूड विद एक्सपेंडेड स्कोप इन द सब्सिक्वेंट प्लान्स। और जैसे जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनती गई, उसमें इसको और एक्सपैंड किया गया। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 हैड स्टिपुलेटेड दैट नॉन गवर्नमेंटल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप वुड बी इनकरेज्ड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू देम सब्जेक्ट टू प्रॉपर मैनेजमेंट। यानी कि एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 की थी, उसने ये बात की, बात उसने बढ़ाई, आगे रखी कि जो भी ये नॉन गवर्नमेंटल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों का जो समूह है, उनको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए और इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, बार बार ये बात आ रही है, अब तक आपको पता हो गया होगा कि एनपी 1986 का फॉलो अप प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में गठित हुआ था। तो ये क्या कह रहा है, टू ऑपरेशनलाइज एनपी 1986, मतलब हम उसको ऑपरेशनल मोड में ला सकें, ये नहीं कि ऑन पेपर हमारी पॉलिसी ना रह जाए, इसके लिए किया गया था प्रोग्राम। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोई नीति बनी और उसका फॉलो अप प्रोग्राम भी आया। एंड स्टिपुलेटेड इन एक मिनट एनपी 1986 इंटर एलिया इनवाइसेस्ड रिलेशनशिप ऑफ जेन्युइन पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एजेंसीज एंड स्टिपुलेटेड दैट गवर्नमेंट वुड टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू प्रमोट देयर वाइडर इन्वॉल्वमेंट बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स बाय स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ VAs एंड ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द। मतलब POA ने कहा कि आपको जरूर वॉलंटरी एजेंसीज का साथ चाहिए, आपको उनको ढूंढना होगा, और आप अगर और डिटेल में इसमें जाएंगे तो वॉलंटरी एजेंसीज एक फॉर्म है वो करते हैं और असिस्टेंस सीक करने के लिए देते हैं मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री फिर उनमें से चुनती है उसको। अगर वाकई उसका प्रोग्राम अच्छा लगता है कि हाँ ये ढंग का काम करेगी या जेन्युइन लगता है, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। MHRD, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, और भी जो संस्थाएं, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो जुड़ी हुई हैं एडल्ट एजुकेशन से, ठीक है। तो इस तरीके की बात की गई कि क्यों ना उनको सीक किया जाए, ढूंढा जाए कौन वॉलंटरी एजेंसी जिसमें काम कर रही है, और उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दें जिससे कि हमारा स्कोप जो है कवर करने का ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पूरा हो सके, ठीक है। फिर फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, अच्छा ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। तो ये सोचा गया कि क्या इनके उद्देश्य होने चाहिए और क्या रोल होना चाहिए वॉलंटरी एजेंसीज का, तो हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सिक्योर एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ VAs इन NLM, है ना। द एक्टिविटीज फॉर विच ग्रांट्स वुड बी एडमिसिबल टू द VAs अंडर द स्कीम वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि कौन से जो वॉलंटरी एजेंसीज होंगी वो कौन कौन से काम करने को अपने आपको बताएंगे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो हम उनको ग्रांट देंगे। तो सबसे पहले क्या पॉइंट हो सकता है कि टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन वेल डिफाइंड एरियाज फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड रनिंग ऑफ पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जन शिक्षण निलयम एंड अदर एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। मतलब जो संस्था हो, जो स्वैच्छिक संस्था हो, वो ये जिम्मेदारी ले कि वो इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी के लिए काम करेगी, वो पोस्ट लिटरेसी और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम चलाएगी। किसके तहत चलाएगी, जन शिक्षण निलयम बनाए जाए जगह जगह पर छोटे छोटे समूहों में, और वो उसके हिसाब से काम करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल लिटरेसी कंपोनेंट इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स सच एज हेल्थ केयर, विमेन्स डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, SC ST डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। देखिए एज की स्पेलिंग गलत हो गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल लिटरेसी कंपोनेंट, यानी कि हमको फंक्शनल लिटरेसी के कंपोनेंट का भी उनके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि कैसे वो फंक्शनली लिटरेट करेंगे लोगों को, डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाएंगे जैसे कि हेल्थ केयर का प्रोग्राम चलाने को वो बात कहें, विमेन की डेवलपमेंट की बात कहें,
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात कहें, SC ST के डेवलपमेंट की बात कहें, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर इम्पार्टिंग सच स्किल्स, बार बार ये एज डबल हो जा रहा है, मे बी रेलिवेंट टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द न्यू लिटरेट्स, इंश्योरिंग दैट वुमेन पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम्स विद मेन। और भी ऐसे प्रोग्राम की बात करें, वो वॉलंटरी एजेंसीज की, वो वोकेशनल कुछ चलाएगी, कुछ तकनीकी शिक्षा के केंद्र चलाएगी, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएगी जिससे क्या हो, जो कि न्यू लिटरेट्स हैं, जो अभी अभी साक्षर होकर निकले हैं, नया नया उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, उनके नीड और इंटरेस्ट को पूरा किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जो औरतों का जो पार्टिसिपेशन है, प्रतिभागिता है ऐसे प्रोग्रामों में, वो ज्यादा हो या कम से कम मेन के बराबर हो। फिर अंडरटेक रिसोर्स, ये जब सेटिंग हुई इसकी तो ये नीचे आ गया, आई डोंट नो कैसे, अंडरटेक रिसोर्स डेवलपमेंट टू एक्टिविटीज इंक्लूडिंग करिकुलम डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन फंक्शनरीज, ऑडियो विजुअल एंड अदर इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एड्स, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SRCs, DRU एक्सेट्रा, स्टेट रिसोर्स सेंटर, ये सब है। तो कह रहे हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रोग्राम की बात करें वॉलंटरी एजेंसीज, क्या करें, देखिए जो आपका एडल्ट एजुकेशन है उसमें सबसे मेन होता है कि करिकुलम कौन बना रहा है ना, कैसा करिकुलम बनाया जाए जो न्यू लिटरेट हैं उनके नीड्स और इंटरेस्ट को टेकर केटर करे, है ना, हम ऐसा TLM बना सकें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना सकें, ऑडियो विजुअल एड बना सकें, तो ये सब कौन करेगा, कोई ना कोई संस्था होगी ना, कुछ लोग होंगे जो करेंगे। तो इस तरीके का उद्देश्य वॉलंटरी एजेंसीज अगर बताती है कि हम ये करेंगे, हम इस तरीके का कार्यक्रम बनाएंगे, हम करिकुलम डेवलप करेंगे, तो जो जो हमारा मिनिस्ट्री है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ऐसा काम करने चाह रहे हैं तो हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पैसे रुपए की आपको कमी नहीं होगी, आप ऐसा काम करिए ताकि हम अपना जो उद्देश्य है कि हमको सबको साक्षर बनाना है उसको साक्षर बना सकें, ये है सर इसका पीछे का मुद्दा। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लर्नर इवैल्यूएशन एंड एक्शन रिसर्च, टेकिंग अप वेरीड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंपोजिया, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, एंड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, वॉलपेपर्स एटसेट्रा फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NLM, एंड अंडरटेक सच अदर एक्टिविटी एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NLM। यानी कि NLM ने जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन वॉलंटरी एजेंसीज को भी अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए उसी लाइन के तहत जो मेन गाइडलाइन NLM ने दी है, और फिर वो मिनिस्ट्री में अपना मतलब अपना आवेदन करें तो होगा कि ठीक है, अगर आप ऐसा ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो हम आपको, आपको रिसोर्स की कमी नहीं होगी, रिसोर्स आपको मिनिस्ट्री देगा और आप ऐसा काम करिए ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाके, ठीक है, ये है। फिर और तो हम बात करें कि कौन से NGOs हैं जो एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपसे दो डिस्कस किए यहाँ पे, एक तो अक्षरा या अक्षर बोलिए आप इसको, एक पहल करके है और एक मेंडा फाउंडेशन है। तो जो अक्षर है वो किस पे काम करता है कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एम्स एट एक्सटेंडिंग एजुकेशनल ऑप्शंस टू दोज अंडर प्रिविलेज्ड एडल्ट वुमेन हु हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड हैव क्रॉस द एज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बट नाउ फील अ नीड फॉर लर्निंग ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इक्विवेलेंसी। यानी कि जो अक्षर जो एक संस्था है, अक्षर एक पहल करके, वो एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत है और वो अंडर प्रिविलेज्ड एडल्ट वुमेन के लिए काम करती है। देखिए बहुत सारे आपको NGOs मिल जाएंगे जो बच्चों के लिए काम करते हैं और अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स के लिए तो बहुत काम करते हैं, लेकिन हमको चूंकि यहाँ एडल्ट एजुकेशन की बात करनी है इसलिए हमने वो कवर किए हैं जो एडल्ट एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड एडल्ट वुमेन के लिए काम करती है संस्था, जो औरतें जिनको अवसर खत्म हो गया है, जो एज क्रॉस कर चुकी हैं फॉर्मल एजुकेशन का, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, उनको कैसे साक्षर बनाएं, उनको कैसे बेसिक एजुकेशन दें, स्किल डेवलपमेंट और इक्विवेलेंट उसके काम करती है ये संस्था। और एक मेंडा फाउंडेशन है, वो क्या करता है कि प्रोवाइड्स एन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम डेवलप बाई TCS, देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाती है इसको, टू गिव प्राइमरी एजुकेशन फॉर एडल्ट्स इन द रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें एडल्ट को प्राइमरी एजुकेशन देने का काम करती है। द प्रोग्राम एम्स टू टीच द बेसिक्स ऑफ अल्फाबेट्स एंड अरिथमेटिक व्हिच आर इंडिस्पेंसेबल इन डे टू डे एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फार्मिंग एंड बिजनेस। देखिए बीच में बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम थे जो निकल गए, जो नहीं बता डिस्कस हो पाया आपसे, उसमें एक फार्मर लिटरेसी प्रोग्राम भी चलता है, चलाती है सरकार, चलाया है उसने, ताकि जो फार्मर्स, देखिए उनको ज्ञान तो है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन जैसे वो खाद है उस पर क्या एक्सपायरी डेट लिखी है या क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, वो तो वो तभी पढ़ सकते हैं ना जब वो उनको अक्षर ज्ञान हो। तो उनके लिए एक अलग से साक्षरता अभियान इस तरीके का चलाया गया या एडल्ट एजुकेशन में उनको कवर किया गया कि उनको हम इतना पढ़ना लिखने में काबिल बना सकें, वो पढ़ लिख सकें कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कि कब वो एक्सपायरी हो रहा है, कैसे उसको यूज़ करना है, या छोटा मोटा अपना बैंक अकाउंट खोल सकें, इन सब चीज़ों के लिए तो अक्षर ज्ञान चाहिए ना। तो
देखिए, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस चला रही है, इसमें एक और नया कंसेप्ट आता है सीएसआर। सीएसआर क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितने भी आपके ये कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट है कि आप, चूंकि आप इतना कमा रहे हैं, इतना आपके पास पैसा है, तो क्यों ना कुछ सामाजिक आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो समाज के लिए करिए। तो इस तरीके का करना इनके लिए भी मैंडेटरी है। तो इस तरीके के एनजीओ ये चलाते रहते हैं, है ना? तो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम एक टीसीएस चला रहा है, मिंडा फाउंडेशन के नाम से एक अक्षर एक पहल है, और ऐसे कई हैं। आप और भी कई कोर्स कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ दो बताए। तो ये रहा रोल एडल्ट एजुकेशन में एनजीओ का, ये वॉलेंट्री एजेंसीज का। और देखिए, वॉलेंट्री एजेंसीज में फायदा क्या है कि वो क्यों बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल कंट्रोल से मुक्त है। जो आपकी सरकारी संस्था है वो तो नियंत्रण में है, वो उसी हिसाब से चलेगी, वो बिल्कुल भी उससे एक इतरी नहीं हो सकती इधर से उधर। लेकिन यहाँ आप स्वतंत्र हैं कि आप किस लेवल तक जाके काम कर सकते हैं, आप ज्यादा उनसे घुल मिल सकते हैं, आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप ऑटोनोमस है, आप स्वायत्त हैं। तो ये इसलिए ये बेहतर तरीके से ग्रास रूट लेवल पे एनजीओ काम कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और एडल्ट एजुकेशन चूंकि इतना वृहद स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए सिर्फ सरकारी तंत्र तो एकदम ही असंभव है कि वो उसको कर पाएगा। उसको जरूर 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 साथ चाहिए एनजीओ का, या नॉर्मल पीपल का, जनमानस का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। तो सरकार क्या कर सकती है? बस ये कर सकती है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो। ठीक है, ये रहा रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। आपके कोर्स में है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर भी वीडियो कवर कर लिया। तो इस तरह से मैंने एडल्ट एजुकेशन को कवर कर लिया, कंसेप्ट डेवलपमेंट, उसका एक मेन प्रोग्राम एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, और रोल ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, एंड इट इज डन फ्रॉम माई साइड।